हेलो एवरीवन, सो इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे कुछ बैकग्राउंड जो आप फॉर कैलीग्राफी के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं कॉफ़ी पेंटिंग का, अगर आप बैकग्राउंड बनाना चाहते हो कुछ उस तरीके का लिख रहे हो, या फिर आप कुछ मोनोक्रोमैटिक पेंटिंग बना रहे हो, सॉरी कैलीग्राफी लिख रहे हो, मोनोक्रोमैटिक इज सिंगल कलर काइंड ऑफ, तो उसके अंदर आई कॉफ़ी पेंटिंग का बहुत अच्छा हो सकता है। एंड कॉफ़ी पेंटिंग का दूसरा बेनिफिट ये भी है कि इसमें बहुत लाइट बैकग्राउंड्स भी आप दे सकते हैं। अगर आप बिल्कुल चाहते हो ना कि थोड़ा शेडो इफेक्ट ही आए, तो उसमें भी आप ये यूज़ कर सकते हो, क्योंकि आप कॉफ़ी को जितना लाइट कर लोगे उतना ही उसका कलर लाइट आ जाएगा। तो ये आप देख सकते हो, मैं कॉफ़ी को पानी में मिक्स कर रही हूँ एंड कॉफ़ी ऑलमोस्ट बिल्कुल फ्लूइड फॉर्म में हम लोग लेंगे। एंड क्योंकि ये मेरा हैंडमेड शीट है, इसका कलर ऑलरेडी थोड़ा सा क्रीमिश येलोइश है, तो ये और भी ज़्यादा इसके ऊपर अच्छा लगेगा। एंड मैंने इसको कर लिया, बहुत लाइट नहीं किया है बट बिल्कुल फ्लूइड फॉर्म में कर लिया है, ताकि बहुत ईजीली मेरा बैकग्राउंड बन जाए। अब बैकग्राउंड में आप अपनी कैलीग्राफी से रिलेटेड कोई डायग्राम या वो भी बना सकते हो। मैं नॉर्मल लीव्स बना रही हूँ जो मेरे फेवरेट हैं इसमें कॉफ़ी पेंटिंग में, सिंपल स्टेम्स विद सम लीव्स। सो पहले मैं स्टेम्स क्रिएट कर लेती हूँ और इनके ऊपर ईजिली लिखा जा सकता है, इसलिए मैं इस तरीके का बना रही हूँ। हमेशा इस तरह के बैकग्राउंड्स के लिए आपको राउंड ब्रश यूज करना है जो आगे से बहुत पॉइंटेड हो। फ्लैट ब्रश में क्या होता है कि वो बिल्कुल सेम उसी तरीके का बन जाता है, मतलब स्टार्टिंग से एंड तक उसमें आप कोई डायमेंशन चेंज नहीं कर पाते हो, इसलिए मेरे को ये राउंड ब्रश ज़्यादा अच्छा लगता है इस तरह के पर्पसेस के लिए। ये एक्सेस को मैंने इस तरह से जस्ट लाइन क्रिएट कर दी। अब आप देख सकते हो कितना लाइट है ये, और जहाँ से हम स्टार्ट करें वहाँ ऑटोमेटिकली थोड़ा सा डार्क है। लीफ बनाने के लिए जो सबसे सिंपल टेक्निक है वो यही है, टिप, उसके बाद में फ्लैट एंड अप, इस तरीके से आप बना सकते हो। एक तो आपका ये टेक्निक है, दूसरा टेक्निक है कि आप उसको प्रॉपर शेप दे लो, फ्लैट बीच में बाद में इस तरीके से कर सकते हो। तो आपको जो ज़्यादा कन्वीनियंट लगता है उससे आप लीव्स बना सकते हो, बट राउंड ब्रश ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा क्योंकि इसमें आप पॉइंट्स भी क्रिएट कर सकते हो। फ्लैट में पॉइंट्स क्रिएट करना थोड़ा सा मुश्किल है। अब आप इसमें देख सकते हो जो मैं बहुत फर्स्ट लीफ है उसका कलर थोड़ा सा डार्क होता है, जैसे जैसे लीव्स में पानी का और कॉफ़ी का कंटेंट कम हो रहा है वो लाइट होता जा रहा है, तो इसमें ऑटोमेटिकली ग्रेडियंट इफेक्ट भी आ रहा है। तो ये एक बैकग्राउंड का तरीका है, इसको हम फटाफट से कंप्लीट करेंगे। सो ये हमने इस तरीके से लीव्स क्रिएट कर ली हैं। अब सेम वे अगर आप कॉफ़ी पेंटिंग से लीव्स नहीं क्रिएट करना चाहते बट कुछ डिफरेंट करना चाहते हो, तो उसके लिए भी मैं आपको एक और टेक्निक बताने वाली हूँ। इसको मैं थोड़ा सा और फ्लूइड कर लूँगी उसके लिए। आई रियली नीड अ वेरी लाइट शेड ऑफ कॉफ़ी फॉर दिस। इसके बाद में अगर आपके पास डैबर ब्रशेज हैं तो आप डैबर ब्रशेज यूज़ कर सकते हो, नहीं तो आप नॉर्मल स्पॉन्ज को सर्कल में कट करके यूज़ कर सकते हो। इसको मैं क्या करने वाली हूँ, इसको इस तरह से डिप करूँगी तो इसमें कॉफ़ी का जो वाटर है वो इसमें आ जाएगा, एंड उसके बाद में इसको सिंपली डैब करना स्टार्ट करेंगे। अब ये बहुत लाइट है आप देख सकते हो, लेकिन जब ये ड्राई होगा तो इसका बहुत ही अच्छा इफेक्ट आएगा, ये बिल्कुल पोल्का डॉट की तरह दिख रहे हैं। एंड ये हम पेंटिंग में भी टेक्निक यूज़ करते हैं, आप इसको कलर्स के साथ भी कर सकते हैं, वो भी मैं आपको करके दिखाऊंगी थोड़ी देर में इन द सेम वीडियो। तरीके से बहुत रफली करना है आपको, इसके अंदर बहुत ज्यादा कुछ प्रिसिजन की जरूरत नहीं है। सो ये हमारा इस तरीके से पूरा पेज बन गया, इसको हम वेट करेंगे ड्राई करने के लिए और उसके बाद में इसके ऊपर कैलीग्राफी से जो भी आप लिखना चाहते हो वो लिख सकते हो। सो फॉर द थर्ड टेक्निक हम लोग यूज कर रहे हैं ये पोस्टर कलर्स, एंड इसमें मैं डॉट आर्ट सिंपल करने वाली हूँ, एंड कुछ मेजरली नहीं करना है, बस कुछ डॉट्स रैंडम। और ये पोस्टर कलर्स की बजाय आप एक्रिलिक्स भी यूज़ कर सकते हो, मैंने काफ़ी फ्लूइड कर लिया है इनको, एंड सिंपली इस तरीके से ताकि बहुत लाइट सा कलर आए एंड इसके ऊपर हम कुछ करना चाहें कैलीग्राफी वगैरह तो वो कर सकें। तो आप नॉर्मल पोल्का डॉट्स बना सकते हो, इसको फ्लावर्स की शेप दे सकते हो, जो भी आपको ज़्यादा बेटर लगे। अब आप देख सकते हो मैं इस पर सिंपली डैबिंग कर रही हूँ येलो कलर की,
इसके बाद में मैं ग्रीन कलर लेने वाली हूँ। ये बहुत ज्यादा फ्लूइड मैंने इसलिए कर लिया है ताकि बहुत लाइट वो कलर आए। ये हमने लगा लिए हैं। नेक्स्ट मैं डैबर की हेल्प से डॉट आर्ट करने वाली हूँ एंड सेम वे बस डैबर के ऊपर आपको थोड़ा सा कलर लेना है प्रॉपरली। बहुत ज़्यादा नहीं कर रही हूँ मैं इसके लिए, सिर्फ कॉर्नर पे करूँगी। तो ये इस तरह से मैंने कलर को प्रेस कर दिया है और डैबर पे, क्योंकि बहुत ज़्यादा कलर मैंने नहीं लिया है तो एक स्पॉन्ज का इफेक्ट आया है और मैं यही इफेक्ट रखना चाहती हूँ। अगर आपको एग्जैक्टली पूरे प्रॉपर राउंड चाहिए तो उस केस के अंदर आपको थोड़ा सा कलर थिक लेना है, एंड अगर आपको इस तरह से स्पॉन्ज इफेक्ट चाहिए तो आप इस तरह से लगाएंगे। सो मैं इनको कॉर्नर्स पे लगा रही हूँ, आप इसको पूरे पे भी कर सकते हो, दैट इज योर चॉइस। और ये मैंने येलो के अंदर थोड़ा सा ग्रीन मिक्स कर दिया है एंड समथिंग लाइक रैंडम स्पॉट्स हेयर एंड देयर। इसके ऊपर भी आप कैलीग्राफी कर सकते हो, तो ये भी एक तरह से एक बेस हमारा रेडी हो गया है। फाइनली एक और बेस बना के मैं आपको दिखाऊंगी। सो वाटर कलर बेस पूरे पे किस तरीके से करना है वो हम ऑलरेडी सीख चुके हैं, लेकिन इसके अंदर मैं थोड़ा सा आपको, अगर आपको कोई पर्टिकुलर वर्ड्स लिखने हैं या पर्टिकुलर लिखना है, इसमें आपको पूरे में नहीं करना है, बहुत सारी जगह इट्स नॉट कंपल्सरी कि हम पूरे में करें, तो हम लोग कुछ रैंडम भी कर सकते हैं। ये मैंने थोड़ा सा पिंक कलर जो है वो मिक्स कर लिया है एंड सिंपल सिर्फ लाइन स्ट्रोक्स मैं इसके लगाने वाली हूँ यूजिंग दिस सेम राउंड ब्रश, क्योंकि मैं इसके अंदर ही स्पेसिंग चाह रही हूँ इसलिए मैं ये यूज कर रही हूँ। फ्लैट ब्रश से पूरा प्रॉपरली कवर हो जाता है। ये बहुत अच्छा लगता है ये वाला बेस भी। अगेन मैं थोड़ा सा और इसके अंदर कोई दूसरा कलर मर्ज करूंगी, से प्रॉबेबली इसके साथ में पर्पल बहुत अच्छा लगेगा तो हम पर्पल यूज कर सकते हैं। पिगमेंट आपको ज़्यादा रखना है कम रखना है दैट इज़ योर चॉइस, एंड प्लस इसके ऊपर ये भी डिपेंड करता है कि इसके ऊपर आप कलर्स कौन से यूज करने वाले हैं। ये थोड़ा सा मैं और ऐड करूँगी पिगमेंट इसके अंदर एंड अब इसके अंदर मर्ज करना स्टार्ट करूँगी। अब आप देख सकते हो कहीं पे मैं बहुत रैंडम स्ट्रोक्स लगा रही हूँ, स्पेसेस भी बीच में इसमें हम छोड़ेंगे बिकॉज दैट इज इस पे जो रफनेस है वही इसका प्रॉपर बेस है। अभी आप 2 colors, 3 colors choices completely yours, आप इसको फिल करना चाहते हो या फिर आप छोड़ना चाहते हो। सो ये इस तरीके से मैंने पूरा बैकग्राउंड बना लिया है, ये भी एक टाइप का बैकग्राउंड है। सो अब आपने बहुत सारे बैकग्राउंड सीख लिए हैं, आप इसमें से कोई भी बैकग्राउंड यूज कर सकते हो।